ऐसा है कि हर उस पे ब्लैक सिप होते हैं, हर समाज में गलत आदमी होते हैं, दो चार होते हैं, कोई उत्पात मचा रहे हैं। वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका जो ताल्लुकात है, जिस तरह से वहाँ पर उनको उपनिवेश उस बात चल रहा है, वहाँ पर नियम कानून कायदा कुछ नहीं है। संवैधानिक जो प्रावधानों को तहस नहस कर चुकी है, सरकार भी जानती है, दुनिया देख रही है। वहाँ पर गोरखे जो 1814 में जमीन के साथ स्टेट हमने समय भारत में आए थे, अपनी भाषा साहित्य संस्कृति अपनी जमीन अपने रहन सहन अपने वन जंगल सब कुछ लेकर आए थे। आज भारत में गोरखे उनको बताया जा रहा है कि तुम विदेशी हो, तो कल के बांग्लादेशी आए, 70% बांग्लादेशी है, वो वहाँ पर उत्पाद में जा रहे हैं, जमींदार जो छीनी जा रही है वहाँ पे। हर तरह से रात में हमारे 80-90 साल के बूढ़े बुजुर्ग जो है जंगल में सोने जाना पड़ता है, पुलिस के भेज में गुंडे आते हैं, घर में लूटते हैं, घर तोड़ फोड़ करते हैं, हमारे बहन बेटी की इज्जत खतरे में है, हमारे पर 11-13 बच्चे मार चुके हो, कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार भी नहीं पूछ रही है। भारत सरकार जब बशीर हाथ में दंगा होता तो 5-5 जीवी भेजती है पता करने के लिए, वहाँ पर 12 बच्चे हमारे मार दिए गए बगैर कर्फ्यू के, बगैर 144 रास्ते में चलते हुए अपनी माँ के लिए अपनी दवाई लेने जा रहे हैं, पिताजी को खाना पहुँचाने जा रहे हैं, रैंडम गोली चलाई जा रही है वहाँ पर बंगाल पुलिस के द्वारा। इतना अन्याय अत्याचार शायद ही किसी देश में हो रहा हो, भारत के प्रजातंत्र की एक जो है गणतंत्र की हत्या हो रही है। इसीलिए हमारी मांग है, 110 साल पुरानी मांग है गोरखालैंड का, ये 1986 में जोर से चल रहा है, 1986 में चला, उसके बाद फिर उनको एक लॉलीपॉप दे दिएगा गोरखों को कि भाई डीजीएससी काउंसिल उससे भी कुछ हमारी हल नहीं हुई समस्या का। उनका 2007 में मेरी जीके गवर्नमेंट दी गई, उससे भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो हम फाइनल समाधान चाहते हैं। तो सरकार को संविधान के धारा 3 क के अंदर जो राज्य गठन करने की जो प्रावधान है उसके तहत अन्य राज्यों की तरह भारत में गोरखों के लिए गोरखा राज्य स्थापना जल्द से जल्द हो, ताकि गोरखा भी राष्ट्रीय मुख्यालय में शामिल हो सके, गोरखों की सर्वांगीण विकास हो, गोरखों की रहन सहन भाषा साहित्य संस्कृति की भी रक्षा हो, और गोरखा 5 महीने हाँ जी देखिए ऐसा है कितना मुश्किल। देखिए गोरखा समुदाय सबसे शांतिप्रिय समुदाय है, हम शांति में विश्वास रखते हैं, हम दोस्तों में तो दुश्मन को दुश्मन। अगर भारत सरकार ये सोच के चल रही है कि गोरखों को लाली को पकड़ा दो, धमका दो, डरा दो, इनकी अनुसरण कर दो, चलता रहेगा, कोई दिन गोरखे भी खत्म हो जाएंगे, गोरखापन भी खत्म हो जाएगा, भाषा से संगीत संस्कृति खत्म कर दो, अगर भारत सरकार का ये रवैया है तो बड़ी दुखदायी हमारे लिए सरकार के लिए। सरकार को शांति चेतना चाहिए और गोरखों के शांतिप्रिय और समयोचित और संवैधानिक मांग को जल्द से जल्द पूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन वहाँ पे खत्म की गई जो फैक्शन हुआ खत्म की गई, और तो क्या रुख है आप करते रहेंगे। देखिए उनका कभी ना कभी बंद हो गया, दार्जिलिंग में जो नेता थे नेता आंदोलन करते थे, नेता अपने मरीज करते थे, जनता को बेवकूफ बनाते थे, अब हम नेता नहीं, हमारा मुद्दा सर्वोपरि है और जनता आंदोलन कर रही है, हमारे कोई नेता नहीं है, और तब तक आंदोलन करें जब तक राज्य की स्थापना नहीं होगी, जनता आंदोलन तब तक ऐसे करेंगे, हम कोई नेता नहीं बनाएंगे, हमें नेता नहीं चाहिए, हमें मुद्दा सर्वोपरि है और जल्द से जल्द राज्य स्थापना हो। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, ज्यादा दबाव के 90 ज्यादा तो टूट कर बिखर जाएंगे, तिनके तिनके इकट्ठा करना मुश्किल होगा। सरकार को सोचना। उत्तम कुमार छेत्री, मैं जी ट्रिपल का भेज रहा हूँ।